खबर लालकुआ से है, जहां पिछले 12 दिनों से लापता बुजुर्ग का अभी तक कोई पता नहीं चल सका है, जिसके बाद परिजनों ने कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई है। जानकारी के अनुसार धनपुर हल्दूचौर निवासी मोहन चंद्र 29 सितंबर को अपने घर से लालकुआ जाने का कहकर निकले थे, लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद भी वो घर नहीं लौटे। तब उनके परिजनों ने खोजबीन शुरू की, लेकिन कोई पता नहीं लग सका, जिसके बाद गुमशुदगी की रिपोर्ट कोतवाली में दर्ज कराई गई, लेकिन आज तक कोई पता नहीं चल पाया है। परिजनों ने बताया कि पुलिस को सूचना देने के बाद भी कोई पता नहीं चला। वहीं पुलिस क्षेत्र अधिकारी ने कहा कि तलाशी के लिए टीमें गठित की गई हैं। इसके साथ ही आसपास के थानों, चौकियों सहित यूपी के थानों में भी सूचना दे दी गई है। सितंबर से लापता है, इसके बाद ये 2-3 दिन घर नहीं आए, तो हमने 2 तारीख को इनकी रिपोर्ट लिखवाई। उसके बाद हम पदाधिकारी, हमारे गांव वाले, साथ वाले तब से लगे हैं छानबीन में, सब गांवों में, और जहाँ भी हम चौकियों में जहाँ जहाँ गए तो हमें ये पता चला कि अभी तक हमें इसी रिपोर्ट नहीं मिली है और नहीं कोई इनका पता चला हमें अभी तक। मोहन चंद जी हैं वो लापता हैं, तो उनके परिवार वाले ने तहरीर दी थी, जो तहरीर तो 19 तारीख को गुमशुदगी में मुकदमा दर्ज किया गया है और पुलिस की टीम और जो परिवार वाले हैं वो लगातार उनको ढूंढ रहे हैं, क्योंकि वो फोन अपना घर पर छोड़ रहे हैं, इसलिए फोन घर पर छोड़ गए हैं और बाकी जितने भी रिश्तेदार हैं तो वहाँ से तो सूचना अभी तक तो नहीं मिल पाई है, और उसमें पुलिस भी और जो उनके परिवार वाले हैं सब लोग मिलकर उनको उनकी तलाश में लगे हैं और कोशिश है कि जल्दी उन्हें ढूंढ लिया जाए।